आप बार बेड वायर फेंसिंग के लिए, चेन लिंक फेंसिंग के लिए, वोविन वायर मैस फेंसिंग के लिए या फिर कॉम्पोसाइट फेंसिंग के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना स्कीम के अंदर, इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कैसे करेंगे और आगे की क्या जानकारी होगी मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर से लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, डॉक्यूमेंट में आपके पास एप्लीकेंट की एक फोटो होनी चाहिए पासपोर्ट साइज, उनका आधार कार्ड होना चाहिए, उनकी उस जमीन का पर्चा होना चाहिए जहाँ पर वो फेंसिंग लगाना चाहते हैं, जहाँ पर वो तार लगाना चाहते हैं, उसी जमीन का उनके पास ततीमा भी होना चाहिए और पटवारी की रिपोर्ट भी होनी चाहिए। बाकी कास्ट वगैरह का सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। बाकी आपके पास एक बैंक की कॉपी होनी चाहिए जिसमें आप अपनी सब्सिडी वगैरह लेना चाहते हैं। बाकी आपको एक एस्टिमेट बनाना होगा जेई से कि आपको वहाँ पर फेंसिंग वगैरह लगानी है, वो टोटल में बताएंगे कि कितने रनिंग मीटर के कितनी कॉस्ट वगैरह आएगी, सारी जानकारी उसमें दिया होगा। तो आपको एक एस्टिमेट भी बनाना होगा, यही डॉक्यूमेंट लगेंगे। बाकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और जानकारी आप इनके हेल्पलाइन नंबर या फिर अपने नज़दीक की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाकर भी पता कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर एग्रीडीबीटी HP सर्च करना है और फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। अब आप डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हिमाचल प्रदेश की साइट पर आ जाएंगे। आपको सबसे पहले साइन अप पर क्लिक करना है, यहाँ पर अपनी मोबाइल नंबर डालना है, अपना नाम डालना है, आधार नंबर डालना है और सबमिट पर क्लिक करना है। आपके फ़ोन पर OTP आएगा, OTP डाल के आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके बाद आपको लॉगिन करना है, लेकिन अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद आप डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हिमाचल प्रदेश की साइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको होम में यहाँ पर प्रोसीजर फॉर अप्लाई वेरियस सब्सिडी स्कीम का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर स्कीम में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नूतन पोली हाउस सब्सिडी स्कीम का है, बाकी यहाँ पर ग्रीन हाउस रीन्यूएबल का है, यहाँ पर मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना का है, एंटी हेलनेट का है और राज्य कृषि यंत्रीकरण प्रोग्राम का है। यंत्रीकरण प्रोग्राम के ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, वो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी आज हम यही देखेंगे कि आप खेत संरक्षण योजना से कैसे अप्लाई कर सकते हैं तीन स्कीम्स के अंदर। अप्लाई करने का प्रोसेस सिंपल है, एप्लीकेंट डिटेल डालनी है, अदर डिटेल डालनी है, आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने और सबमिट करना है। इसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में चेक करेंगे आपके एप्लीकेशन को। बाकी अगर आपको इनसे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे आपको यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर मिल जाएंगे काफ़ी सारे और ईमेल आईडीज़ भी मिल जाएंगी, आप कॉल करके पता कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे अप्लाई कैसे करना है। तो आपको लेफ्ट साइड में ऊपर चार ऑप्शन मिल जाएंगे, होम का है, स्कीम का है, एप्लीकेशन स्टेटस का है और नोटिफिकेशन का है। सबसे पहले स्कीम का देख लेते हैं। स्कीम में आपको चूज स्कीम पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको एप्लीकेंट डिटेल शो हो जाएंगे, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नाम डालना है, फादर्स नेम डालना है, उनका जेंडर सेलेक्ट करें, नीचे उनकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा जब आपने आईडी वगैरह बनाई थी वो वाला, आधार नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। बाकी नीचे ईमेल आईडी डालें, कितने पढ़े हुए हैं आप, क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेलेक्ट करें, सोशल कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करें, अपना डिस्ट्रिक्ट तहसील विलेज सेलेक्ट करें, गांव सेलेक्ट करें और फुल एड्रेस यहां पर डाल के नीचे अपनी फ़ोटो अपलोड करें और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपको स्कीम डिटेल्स यहां पर डालनी होंगी, यहां पर अपना डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक तहसील सेलेक्ट करें, यहां पर आपको पंचायत और जो आपका चुनाव क्षेत्र है वो यहां पर डालना है, नीचे फुल एड्रेस डाल दें। इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा, किसानों के समूह के लिए आवेदन करना चाहते हैं, मतलब अगर आप ग्रुप ऑफ फार्मर अप्लाई करने वाले हैं, मतलब तीन चार फार्मर इकट्ठे हैं, आपकी ज़मीन इकट्ठी है और आप इकट्ठे अपनी ज़मीन में तार लगाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। लेकिन इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई करने के लिए टाइप ऑफ फेंसिंग में सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है कॉम्पोसाइट फेंसिंग का, वो आप देख सकते हैं कि कैसी होती है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल अप्लाई करने वाले हैं तो आपको यहाँ पर तीन चार ऑप्शन मिल जाते हैं अप्लाई करने के। अगर आप यहाँ पर ग्रुप ऑफ फार्मर कर रहे हैं तो आपको सभी डिटेल नीचे चारों या तीनों बंदों की अलग अलग डालनी होगी। तो सबसे पहले आपको सीरियल नंबर दिख जाएगा, एप्लीकेंट का नाम डालें, उसका फादर नेम डालें, कैटेगरी सेलेक्ट करें, खाता खतौनी खसरा नंबर यहाँ पर डालें, टोटल लैंड हेक्टेयर में कितनी है वो यहाँ पर डालें, पटवारी की रिपोर्ट करवाएंगे तो पटवारी लिख के देगा उस हिसाब से यहाँ पर डाल दें। बाकी एरिया प्रपोज फॉर फेंसिंग, कितने एरिया में आप लगाने वाले हैं तार वो यहाँ पर डालें हेक्टेयर में। बाकी इज लैंड इरीगेटेड यहाँ पर सेलेक्ट करें, यस या नो। बाकी सोर्स ऑफ वाटर, कुछ पानी वगैरह का साधन है तो यहाँ पर सेलेक्ट करें। बाकी स्टेटस ऑफ ओनरशिप का, अपने नाम पर ज़मीन है तो यहाँ पर सेल्फ ओन कर लें, बाकी जॉइंट ओनर है तो यहाँ पर देख लें, अपने हिसाब से यहाँ पर देख लें। उसके बाद जो जो फार्मर आपके साथ ऐड है उनकी डिटेल यहाँ पर डाल दें अगर ग्रुप ऑफ फार्मर अप्लाई कर रहे हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पर सिर्फ सिंगल बंदे का अप्लाई करके बताऊँगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इंडिविजुअल, बाकी ग्रुप ऑफ फार्मर है तो वापस यहाँ पर सेलेक्ट करना है, बाकी ऑप्शन सभी सेम ही हैं। इसके बाद नीचे आपको फेंसिंग डिटेल्स नीचे डालनी होंगे, टोटल एरिया प्रपोज फॉर फेंसिंग आपको यहाँ पर डालना है, जो ऊपर डाला था उसके हिसाब से यहाँ पर डाल दें अगर सिंगल है। बाकी तीन बंदे कर रहे हैं तो उनका प्लस कर लें हेक्टेयर में और यहाँ पर डाल दें। टाइप ऑफ फेंसिंग आपको यहाँ पर बारबेड वायर फेंसिंग का मिल जाता है,
जो कांटों वाली होती है तार वो। बाकी चेन लिंक का मिल जाता है, वोविन वायर मैस फेंसिंग का मिल जाता है, इसके बाद कंपोसाइट फेंसिंग का मिल जाता है। तो आपको जो भी करना है अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करें। बाकी फेंसिंग सब टाइप में आपको यहाँ पर एंगल आयरन का मिल जाता है, RCC पोस्ट का मिल जाता है, ठीक है। आपको जैसे 500 मीटर में लगानी है तो एंगल आयरन 500 मीटर के अंडर वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। अगर आपको RCC वाला लगाना है तो RCC 500 मीटर का सेलेक्ट करें। अगर आपका एरिया बनता है 3000 से ऊपर तो आपको एंगल आयरन पोस्ट 3000 मीटर यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ये वाला ऑप्शन आपको। अगर इससे कम है 2500 में आता है तो आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि 2000 से 3000 के बीच में 2500 आता है, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। एंगल आयरन का है, RCC है, जो भी है अपने हिसाब से सेलेक्ट करें। बाकी लेंथ रनिंग मीटर में आपको यहाँ पर डालनी है कि कितने रनिंग मीटर में है, उसके बाद फेंसिंग एरिया हेक्टेयर में आपको यहाँ पर डालना है, उसके बाद अप्रोक्सीमेट एक्सपेंस पर मीटर कि पर मीटर का कितना खर्चा आने वाला है आपकी तार लगाने का, वो आपको यहाँ पर डालना है। इसीलिए आपको JEE की रिपोर्ट करवानी होगी, एस्टिमेट वगैरह बनाना होगा पहले, उसके बाद ही अप्लाई करना है। तो पहले बना लें उसके बाद अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर एस्टिमेट भी डालना पड़ेगा कि कितना लगेगा। उसके बाद नीचे आपको बैंक की डिटेल डालनी है जहाँ पर आप पैसे वगैरह लेना चाहते हैं आपकी सब्सिडी का। उसके बाद बिफोर फेंसिंग आप कौन से मौसम में कौन कौन सी फसलें लगाते थे वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। खरीफ में कौन सी लगाते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करें, यहाँ पर टोटल हेक्टेयर में डाल दें। उसके बाद रबी में कौन सी लगाते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करें और यहाँ पर डाल दें। आप खरीफ में मेज़ डाल सकते हैं जो मक्का वगैरह होता है, और रबी में आप जो हमारी कनक वगैरह हम बोते हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं। हेक्टेयर में डाल दें, 50-50 डालें क्योंकि दोनों की प्लस होनी चाहिए। उसके बाद आफ्टर फेंसिंग आप कौन कौन सी फसलें लगाने वाले हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। मैंने एग्जांपल के लिए बताया है, बाकी आप अपने हिसाब से देखें। बाकी सभी डिटेल एक बार ध्यान से चेक करें और नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अगर जॉइंट फार्मर कर रहे थे अप्लाई तो यहाँ पर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के ऑप्शन आपको आएंगे। आप PDF बनाकर अपलोड करें इकट्ठे, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करना है, आधार कार्ड के साथ आप एप्लीकेंट का यहाँ पर ज़मीन का पर्चा और जो ततीमा वगैरह है वो इकट्ठा अपलोड कर दें। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, बैंक की डिटेल कॉपी यहाँ पर अपलोड कर दें। जो आप ज़मीन का पर्चा अपलोड करने वाले हैं उसी के साथ एस्टीमेट वगैरह भी अपलोड कर दें, पटवारी की रिपोर्ट भी अपलोड कर दें, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन है नहीं यहाँ पर अपलोड करने के। इसके बाद जो जो डिटेल आपने भरी उन सभी को एक बार ध्यान से चेक करें। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन सबमिट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आई हेयर वी डिक्लेयर एंड रिक्वेस्ट डाट ये पर क्लिक करना है। डिक्लेरेशन वगैरह पढ़ लें, सबमिट एप्लीकेशन यहाँ पर क्लिक करें, आपको इस पर क्लिक करना है। आपने जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन की है उस पर OTP आएगा, OTP यहाँ पर डाल के सबमिट पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपकी एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा। अगर सभी डिटेल बिल्कुल सही होंगी तो वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे आपकी एप्लीकेशन को, अगर कुछ भी गलत होगा तो वो करेक्शन के लिए आपके पास वापस सेंड कर देंगे कि आपको करेक्शन करनी होगी। करेक्शन करने के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में शो हो जाएगा, उन्होंने बताया होगा, और आपको करेक्शन करनी होगी लगभग 15 या 20 या 30 दिनों के अंदर अंदर, तो टाइम भी उसमें बताया होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। अभी चलिए देखते हैं कि स्टेटस कैसे चेक करना है। आपको एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको स्टेटस शो हो जाएगा आपके एप्लीकेशन का कि वो कहाँ पर पेंडिंग है। एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा, एप्लीकेंट का नाम, स्कीम शो हो जाएगी, सबमिशन डेट शो हो जाएगी, कब सबमिट की है, करंट स्टेटस शो हो जाएगा और एप्लीकेंट डिटेल शो हो जाएगी। अगर कुछ भी करेक्शन करने के लिए आता है तो आपको एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना है। यहाँ पर एडिट में आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है करेक्शन करने के लिए। जब करेक्शन के लिए वापस सेंड करेंगे तभी एडिट का ऑप्शन चलेगा, आप जो भी करेक्शन के लिए बोला होगा वो एडिट कर सकते हैं। तो आशा है आपको इस जानकारी से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड और जानकारी आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाकर भी पता कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर से नीचे कमेंट करना। बाय बाय।